हेलो स्टूडेंट्स बेटा, इस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में एक टॉपिक आता है कॉशीज इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कॉफिशेंट्स। ये उसका एक पार्ट है जिसमें मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कॉफिशेंट्स, मतलब ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर है n और इसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो यहाँ पर देखो xn है, यहाँ पर xn माइनस वन है, तो मीन्स जो कॉफिशेंट हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल में वैसे तो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी में x ही हो सकता है वो किसी में x प्लस टू हो सकता है कि x प्लस टू हो, किसी में x माइनस फाइव हो, तो सब तरह के हो सकते हैं। बट हम पर्टिकुलर टाइप कर रहे हैं कॉशीज इक्वेशन। कॉशीज इक्वेशन में क्या होता है कि ओनली जो वेरिएबल कॉफिशेंट्स हैं वो एक्स में होता है और जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है मतलब फर्स्ट ऑर्डर है वहाँ पर एक्स होगा, जहाँ पर सेकंड ऑर्डर है वहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और जहाँ पर एन माइनस वन ऑर्डर है वहाँ पर एन माइनस वन और nth ऑर्डर में एक्स रेज टू पावर एन, ये फिक्स है। तो कॉशीज इक्वेशन इसी टाइप की होती है हमेशा। ठीक है, तो इन सिंबॉलिक फॉर्म, इस इक्वेशन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये बनेगी एक्स एन डी एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। तो सेकंड लास्ट टर्म बनेगी ए वन एक्स डी प्लस ए ज़ीरो वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डी का मतलब डी बाय डी एक्स। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, अगर ना भी मेंशन किया हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें x को हमेशा e रेज टू पावर z ही पुट करना पड़ेगा टू सॉल्व द कॉशीज इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन किया है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। x इक्वल टू e रेज टू पावर z भी दिया हो सकता है या z इज इक्वल टू log x भी दिया हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, बट कंडीशन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज log डिफाइंड नहीं होगा। अगर z log x है तो z का डेरिवेटिव आएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। अब ये देखो ये स्टेप डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने चेन रूल लगाया है, तो चेन रूल की हेल्प से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है वन बाय एक्स, एक्स को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई इज इक्वल टू थीटा वाई, जहाँ पर कैपिटल डी का मतलब है डी बाई डी एक्स और थीटा का मतलब है डी बाई डी जेड। ठीक है, तो y को अगर हम छोड़ दें तो क्या बना हमारे पास एक्स डी इज इक्वल टू थीटा। तो मतलब हम इस क्वेश्चन जब क्वेश्चन करना है तो ये हम आर्टिकल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि x के प्लेस पे ई जेड पुट करना है, एक्स डी के प्लेस पे थीटा पुट करना है, यहाँ पर एक्स डी है तो यहाँ पर थीटा पुट करेंगे, इसके बाद आएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर, तो वहाँ पर क्या पुट करना है और क्यों पुट करना है वो हम आर्टिकल में समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर करें, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका एक्स के साथ एक बार और डेरिवेटिव करना है हमें। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू वन बाई एक्स, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, अब ये दो फंक्शन हो गए तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब dy बाई डी जेड का डेरिवेटिव हमें करना था x के साथ, हमने यहाँ पर फिर से चेन रूल लगा दिया, dy बाई डी जेड का डेरिवेटिव किया z के साथ और z का डेरिवेटिव x के साथ। dy बाई डी जेड कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी जेड का डेरिवेटिव डी बाई डी जेड के साथ किया तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया और डी जेड बाई डी एक्स कितना आया था हमारे पास 1 बाय एक्स, क्योंकि जेड क्या था
log x और dz by dx आ गया था 1 by x. तो ये तो सेम ही लिख दिया, इन दोनों में से 1 by x square हमने ले लिया कॉमन, तो ये d2y by dz2 minus dy by dz. ओके, x square को हमने इधर कर दिया मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है. तो ये बन गया हमारे पास d2y by dz2 minus dy by dz. इसको हम लिख सकते हैं d square y, क्योंकि d का मतलब क्या है हमारे पास, d का मतलब है d by dx, तो d square का मतलब बनेगा d square by dx square. सिमिलरली थीटा का मतलब है d by dz, तो थीटा स्क्वायर का मतलब बनेगा d square by dz square. तो ये बन गया x square d square y, ये थीटा square y, ये थीटा y इसका है ना. तो y हमने कॉमन निकाल लिया और y को कर दिया कैंसल, तो क्या बचा x square d square थीटा square माइनस थीटा. हालांकि यहाँ पर y जो है वो कैंसल नहीं किया जाता, बट हम ये बता रहे हैं कि अगर ये फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो सेम है तभी उनका आंसर सेम आएगा, ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना कि अगर दो फंक्शन इक्वल हैं तो इसका मतलब f इज इक्वल टू g है. तो ये नहीं है कि x कैंसिल कर दिया, इसको हम लिखने में ऐसे लिखते हैं कि अगर fx इक्वल टू जी एक्स है फॉर ऑल x, ठीक है, उनकी डोमेन सेम है तो हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू जी. तो ऐसे ही y को यहाँ पर कैंसिल नहीं किया जाता एक्चुअल में, बट हम कहते हैं कि अगर उनके डेरिवेटिव इक्वल हैं तो ही वो इक्वल आएगा. तो एक्स स्क्र डी स्क्र क्या आ गया, थीटा स्क्र माइनस थीटा. तो एक्स स्क्र डी स्क्र की वैल्यू क्या आई, थीटा थीटा माइनस वन. तो इसको आगे हम जनरलाइज कर देते हैं. तो अगर हमें एक्स क्यूब डी क्यूब निकालना है तो वो आएगा थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू. आप उसको प्रूव कर सकते हो अगर करना चाहो, अदरवाइज हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए कि एक्स डी इक्वल टू थीटा है. एक्स स्क्र डी स्क्र हमने देखा है कैसे प्रूव किया है. तो एक्स क्यूब डी क्यूब में तीन फैक्टर आएंगे, फोर में चार फैक्टर्स आ जाएंगे, थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू थीटा माइनस थ्री एंड सो ऑन. हालांकि इतनी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आपको. तो एक एग्जांपल कर लेते हैं. ये क्वेश्चन है फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ दिस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स. तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स भी दिया हो सकता है, एक्स इक्वल टू ई रेज टू पर जेड भी दिया हो सकता है. तो हमें पता है जेड लॉग एक्स है, तो एक्स मतलब ई रेज टू पर जेड है. ये हमने अभी आर्टिकल में पढ़ लिया कि एक्स डी का मतलब थीटा होता है, एक्स स्क्र डी स्क्र का मतलब थीटा थीटा माइनस वन होता है, डी का मतलब डी बाई डी एक्स और थीटा का मतलब डी बाई डी जेड. तो जो क्वेश्चन हमें दिया है उसको हमने सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा, तो वो बनेगा एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस थ्री एक्स डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्र. और इसकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्र डी स्क्र को हमने लिखा थीटा थीटा माइनस वन, एक्स डी को लिखा थीटा प्लस फोर वाई, एक्स को लिख दिया ई रेज टू पार जेड. इस सारे को हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया. तो होप सो कि आपको आर्टिकल और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.